बीइंग सिनेफाइल में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम बात करते हैं हॉरर के बारे में। आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूं 2009 में रिलीज हुई एक डच बॉडी हॉरर फिल्म ह्यूमन सेंटीपीड द फर्स्ट सीक्वेंस की। ह्यूमन सेंटीपीड फर्स्ट पार्ट है ह्यूमन सेंटीपीड ट्रिलोजी का, जिसके अंदर आती हैं ह्यूमन सेंटीपीड द फर्स्ट सीक्वेंस, ह्यूमन सेंटीपीड द फुल सीक्वेंस और ह्यूमन सेंटीपीड द फाइनल सीक्वेंस। इस फ्रेंचाइज की तीनों फिल्मों को लिखा और डायरेक्ट किया है टॉम सिक्स ने। ह्यूमन सेंटीपीड की शुरुआत होती है जेनी और लिंडजी से, जो कि जर्मनी में एज टूरिस्ट आए हैं और एक नाइट क्लब की तरफ जा रहे हैं। तभी बीच रास्ते में उनकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है। उनकी गाड़ी जहां पंक्चर हुई थी वो एक सुनसान सी सड़क थी जिसके आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल था। वो दोनों कार कंपनी को कॉल करने की कोशिश भी करते हैं पर उन्हें सिग्नल नहीं मिलता। तभी वहां से एक गाड़ी गुजर रही होती है जिसमें बैठे आदमी से वो दोनों मदद मांगने की कोशिश करती हैं, पर क्योंकि वो दोनों इंग्लिश बोल रही थी और उस आदमी को सिर्फ जर्मन आती थी, इसलिए वो समझ ही नहीं पाते कि वो कह क्या रहा है। पर उसकी हरकतों से उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए वो दोनों उसे इग्नोर करती हैं और उसके वहां से जाने का इंतजार करती हैं। उसके वहां से जाने के बाद ना तो वहां से कोई और गुजर रहा था और ना ही उनके फोन में कोई सिग्नल आ रहा था, इसलिए वो दोनों मदद ढूंढने बाहर निकल पड़ती हैं। वो दोनों सुनसान जंगल में भटक रही थी और इसी दौरान उन दोनों में ढेर सारी तूतू मैमे भी होती है कि तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। थोड़ी और आगे चल के लिंडजी को एक रोशनी दिखती है जिसकी ओर जाके वो दोनों पाते हैं कि वो एक घर है। बारिश बहुत तेज हो चुकी थी और जेनी और लिंडजी पूरी तरह भीग चुके थे। वो दोनों उस घर का दरवाजा पीटते हैं और उस घर का मालिक एक बूढ़ा आदमी होता है। वो दोनों उससे मदद मांगती हैं और उसे बताती हैं कि उनकी गाड़ी पंक्चर हो चुकी है। वो आदमी उन्हें अंदर बुलाता है और दरवाजे को चाबी से लॉक कर देता है। बूढ़ा आदमी उन दोनों को अपने लिविंग रूम में बैठाता है, जहां वो दोनों उसे बताती हैं कि वो दोनों टूरिस्ट हैं और न्यूयॉर्क से आई हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं कार कंपनी को कॉल लगाता हूं और उनसे पानी भी पूछता है। रसोई में जाके वो उनके पानी के गिलासों में कोई गोली मिला देता है और कार कंपनी को कॉल करने का नाटक भी करता है और उन दोनों को बताता है कि कंपनी वालों को आने में आधा घंटा लगेगा। उस आधे घंटे के इंतजार के दौरान वो दोनों पानी पी रही होती हैं कि तभी लिंडजी से उसका गिलास छूट जाता है और वो बूढ़ा आदमी उस पे जर्मन में बहुत बरसता है, जिसके बाद वो तौलिया लाने के बहाने एक इंजेक्शन में कुछ भर के लाता है। जब वो दोनों लड़कियों के पास आता है तो जेनी तो ऑलरेडी बेहोश सी हो चुकी थी और लिंडजी उसे उठाने की कोशिश कर रही थी कि तभी वो बूढ़ा आदमी उसमें वो इंजेक्शन लगा देता है जिससे लिंडजी भी बेहोश हो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जेनी और लिंडजी उसी बूढ़े आदमी के बेसमेंट में हॉस्पिटल बेड्स पर हैं और उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उनके साथ वहां एक तीसरा आदमी भी बंधा हुआ है। वो बूढ़ा आदमी वहां आता है और उस तीसरे आदमी को बताता है कि क्योंकि वो एक मैच नहीं है इसलिए उसे मरना होगा, जिसके बाद वो उसके ड्रिप में कोई इंजेक्शन भर देता है जिससे वो आदमी मर जाता है और बूढ़ा आदमी उसकी लाश अपने बगीचे में गाड़ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अपनी गाड़ी से एक बेहोश इंसान को निकालता है और अपने घर में ले जाता है। कुछ समय बाद बूढ़ा आदमी, जिसने दोनों लड़कियों और उस तीसरे आदमी को बेड्स पे बांध रखा था, उन्हें जगाता है। वो तीसरा जापानीज आदमी जापानी में उस बूढ़े को बतेरी गालियां देता है। वो बूढ़ा आदमी उन तीनों बंदियों को बताता है कि उसका नाम डॉक्टर जोसेफ हाइटर है और वो एक रिटायर्ड सर्जन है। वो बूढ़ा डॉक्टर उन सबको ये भी बताता है कि वो जुड़े हुए जुड़वाओं को अलग करने में बहुत एक्सपीरियंस्ड है, पर अब उसे अलग करने की जगह जोड़ना है और कुछ नया बनाना है। जिस समय डॉक्टर उन सबको अपना प्लान बता रहा होता है, उसी दौरान वो जापानीज आदमी जापानी में उसे भतेरी गालियों के साथ साथ उसे पागल नाजी भी बुलाता है। डॉक्टर उन सबको बताता है कि 6 महीने पहले उसने अपने 3 रॉटवाइलर कुत्तों को जोड़ के कुछ नया बनाया था और अब वो उन तीनों के साथ भी कुछ ऐसा ही करेगा। वो बताता है कि सबसे पहले वो उन तीनों के नी कैप्स के लिगामेंट्स काटेगा जिससे उनके पैर कभी सीधे नहीं हो पाएंगे, जिसके बाद वो पहले इंसान के पिछवाड़े से स्किन निकाल के फ्लैप्स बनाएगा और उन्हें दूसरे इंसान के गालों से सील देगा, जिससे पहले इंसान का मल द्वार दूसरे इंसान के मुंह से जुड़ जाएगा और वो दूसरे और तीसरे इंसान के साथ भी ऐसा ही करेगा और 3 लोगों को मुंह और मल द्वार से जोड़ के वो जो बनाएगा उसे नाम देता है द ह्यूमन सेंटीपीड। अपना प्लान तीनों को सुनाने के बाद डॉक्टर एक एक करके तीनों को एनेस्थीजिया दे रहा होता है, जिस दौरान लिंडजी अपने हाथ और पैर छुड़ा के वहां से भाग जाती है। भागने के चक्कर में उसके ड्रिप उसकी नसें चीरते हुए उसके हाथ से निकल जाती हैं
और अपना खून बहता हुआ हाथ लेके वो ऊपर एक कमरे में छुप जाती है। दरवाजे के बाहर से डॉक्टर उसे कई धमकियां देता है और उसे दरवाजा खोलने को कहता है। डॉक्टर उसे कहता है कि अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो वो उसके सारे दांत एक एक करके निकालेगा, वो भी बिना एनेस्थीसिया दिए। इन धमकियों के बावजूद लिंडसी दरवाजा नहीं खोलती और उस कमरे की खिड़की से भागने के लिए उसकी ओर जाती है, पर डॉक्टर उसी खिड़की के बाहर अपनी राइफल लिए खड़ा होता है। उसे देख के लिंडसी दरवाजे की ओर भागती है और उसे खोलने में लग जाती है और डॉक्टर अपनी राइफल से खिड़की तोड़ने में लग जाता है। डॉक्टर खिड़की तोड़ने में कामयाब तो हो जाता है, पर समय रहते लिंडसी भी दरवाजा खोल के भाग जाती है। भागते भागते वो एक कमरे में घुसती है जहां वो डॉक्टर के इंडोर पूल में गिर जाती है। डॉक्टर वहां आके पूल के बाहर से लिंडसी को बताता है कि उसके रॉटवाइलर्स में से भी एक ने भागने की कोशिश की थी और उसने उसे तीनों में से बीच वाला पीस बनाया था, जिसे तीनों में से सबसे ज्यादा दर्द होता है। डॉक्टर लिंडसी को शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने भागने की कोशिश करी, अब मुझे पता है कि मुझे किसे ह्यूमन सेंटीपीड का बीच वाला हिस्सा बनाना है। लिंडसी को पूल से निकालने के लिए डॉक्टर पूल का शटर बंद करता है, पर तभी लाइट चली जाती है और डॉक्टर उसे चेक करने चला जाता है। जिस दौरान लिंडसी उस कमरे की टूटी खिड़की से भागने जाती है, पर फिर जेनी की तलाश में नीचे डॉक्टर के बेसमेंट में चली जाती है। वहां से वो बेहोश पड़ी जेनी को घसीट घसीट के उस टूटी खिड़की से होते हुए बाहर ले जा रही होती है कि तभी डॉक्टर वहां आके उसे बेहोशी का डार्ट मार देता है, जिसके बाद हम देखते हैं लिंडसी, जेनी और जापानी आदमी कत्सुरो की सर्जरी का सीन, जिसमें पहले तो डॉक्टर उन सबके ऊपर मार्किंग्स करता है, जिसके बाद वो जेनी और लिंडसी के सारे दांत निकालता है और फिर जैसा उसने अपने प्लान में बताया था उस तरह उन तीनों को मुंह और मल द्वार की तरफ से जोड़ देता है। अगली सुबह की सुनहरी धूप में डॉक्टर सो रहे ह्यूमन सेंटीपीड को निहार रहा होता है और फिर सब सही से हील हो रहे हैं या नहीं ये वो चेक करता है, जिसके बाद वो अपने सेंटीपीड को जगाता है और अपनी कामयाबी पे खुशी मनाता है और उनकी तस्वीरें भी खींचता है। लिंडसी, जेनी और कत्सुरो तीनों बहुत रोते हैं, जिसे देख के डॉक्टर मजे लेते हुए खुशी के आंसू रोने लगता है और उन्हें एक शीशे में उनकी हालत दिखाने लगता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि शाम हो चुकी है और डॉक्टर ने अपने ह्यूमन सेंटीपीड को एक पिंजरे में बंद कर रखा है। अगली सुबह डॉक्टर सेंटीपीड को बाहर बगीचे में ले जाता है और कुत्ते की तरह उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, पर कत्सुरो वो नहीं करता जो डॉक्टर कहता है। शाम को जब डॉक्टर सेंटीपीड को कुत्ते की तरह खाना देता है तो कत्सुरो उसका पैर काट लेता है। अगली सुबह बगीचे में डॉक्टर घुटनों तक के लेदर के बूट्स पहन के आता है और कत्सुरो को कहता है कि ले अब काट मुझे, के तभी कत्सुरो को मल का प्रवाह करना होता है और वो लिंडसी के मुंह में अपना मल का प्रवाह कर देता है। लिंडसी बहुत रोती है, पर उसके पास भी कोई और चारा नहीं होता और उसे कत्सुरो का मल निगलना पड़ता है। ये सब होता देख डॉक्टर अलग ही मजे ले रहा होता है। अगले दिन जब डॉक्टर स्विमिंग कर रहा होता है तो सेंटीपीड भागने की कोशिश करता है, जिस वजह से डॉक्टर उन तीनों को शंटी से खूब पीटता है। उन तीनों का चेकअप करते हुए डॉक्टर को पता चलता है कि कत्सुरो तो ठीक है, पर लिंडसी कॉन्स्टिपेटेड है और जेनी को सेप्सिस हो गया है, उसके घावों में पस बन रही है और वो मरने वाली है। डॉक्टर ये भी कहता है कि उसे जल्द ही रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी कि तभी डॉक्टर की बेल बजती है और उसके दरवाजे पे पुलिस आई थी। डॉक्टर ऊपर उन्हें देखने जाता है और यहाँ नीचे बेसमेंट में कत्सुरो मदद के लिए चिल्लाए जा रहा होता है, पर ऊपर बैठे दो पुलिस वालों को कोई आवाज नहीं आ रही होती। पुलिस वाले डॉक्टर को बताते हैं कि कुछ लोग मिसिंग है और उनकी गाड़ी उसी के घर के पास मिली है। डॉक्टर कहता है कि इस बारे में उसे कुछ नहीं पता और उन्हें पानी ऑफर करता है, जिसमें वही बेहोशी की दवाई मिला के वो उन्हें देता है और उनमें से एक पुलिस वाला वो बड़ा सा पिंजरा देख के उस पे शक करने लगता है। पुलिस वाला डॉक्टर को बताता है कि एक औरत ने उसके घर से एक अमरीकी लड़की की चीखें सुनी है और डॉक्टर जैसी ही एक सिल्वर मर्सिडीज मिसिंग ट्रक ड्राइवर की ट्रक के पास देखी गई है। ये सब सुनते ही डॉक्टर ड्रामा शुरू कर देता है और उन दोनों पुलिस वालों पे चिल्लाना शुरू हो जाता है कि उन्होंने उस पे ये इल्जाम लगाने की कोशिश भी कैसे की, क्योंकि उनमें से एक पुलिस वाले ने पानी पी लिया था और दूसरे ने नहीं। तो डॉक्टर उसे पानी का गिलास दिखाते हुए कहता है कि ये पानी पियो और निकलो मेरे घर से। डॉक्टर कई बार पानी पीने के लिए उस पुलिस वाले पर चिल्लाता है और पुलिस वाला डॉक्टर के हाथ पर मार के वो गिलास जमीन पे गिरा देता है। डॉक्टर टावल लाने के बहाने से बेसमेंट में जाके वही बेहोशी का इंजेक्शन तैयार करके लाता है और सेंटीपीड से कहता है कि बस कुछ ही समय की बात है, उसके पास दो नए रिप्लेसमेंट्स आ चुके हैं जेनी की जगह लेने के लिए। ऊपर जाके डॉक्टर जब पानी साफ
साफ कर रहा होता है तो पुलिस वाला पूछता है कि नीचे बेसमेंट में क्या है। डॉक्टर बताता है कि उसकी लैब है। पुलिस वाला उसे एक बार देखने की बात करता है, जिस पर डॉक्टर फिर से उस पर भड़क जाता है और पहले सर्च वारंट लाने को कहता है। पुलिस वाला कहता है कि वारंट तो 15 मिनट में आ जाएगा कि तभी डॉक्टर के हाथ से वो तौलिया गिर जाता है और उसमें छुपा वो इंजेक्शन भी। पुलिस वाला इंजेक्शन उठा के पूछता है कि और ये क्या है। डॉक्टर कहता है कि ये इंसुलिन है। पुलिस वाला तब तो कुछ नहीं कर पाता पर डॉक्टर को कहता है कि मैं 20 मिनट में सर्च वारंट लेके आ रहा हूँ, मुझे पता है तू यहाँ कुछ छुपा रहा है। पुलिस के जाने के बाद डॉक्टर बेसमेंट में भागता है और सेंटीपीड को गायब पाता है। सेंटीपीड एक दीवार के पीछे छुपा होता है और डॉक्टर के आते ही कत्सुरो उसके पैर में सुइयां घुसा देता है और उसकी गर्दन नोच खाता है, जिससे डॉक्टर ढेर हो जाता है। कत्सुरो दोनों लड़कियों के साथ हाथों और पैरों का कोऑर्डिनेशन बना के भागने की कोशिश करता है, पर सीढ़ियों पर चढ़ने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। उन सबके घुटने खूनम खून हो जाते हैं और डॉक्टर भी रेंगते रेंगते उनके पीछे लग जाता है। लिंडसी कत्सुरो को उसी टूटी खिड़की वाले कमरे की ओर जाने का इशारा करती है, पर वहां जाके उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर ने टूटी खिड़की ठीक करवा ली है। उसी कमरे में रखे एक लैंप को लेके कत्सुरो खिड़की तोड़ने में लग जाता है कि तभी डॉक्टर भी रेंगते रेंगते उस कमरे में आ जाता है। डॉक्टर को देख के कत्सुरो पहले एक स्पीच देता है कि कैसे भगवान ने उसे एक अय्याशी की जिंदगी जीने के लिए ऐसी सजा दी है, जिसके बाद वो एक टूटे कांच के टुकड़े से अपना गला चीर देता है कि तभी डॉक्टर के घर की घंटी फिर से बजती है और दरवाजे पर वही पुलिस वाले थे जो कुछ देर तक घंटी बजाते हैं और फिर अंदर घुस जाते हैं। यहाँ डॉक्टर अपनी पूल वाले कमरे में जाके छुप जाता है। जब पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे होते हैं तो उस दौरान दोनों में से जिसने डॉक्टर का दवाई मिला पानी पिया था उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वो पूल की तरफ जाता है जहाँ छुपा डॉक्टर उसे गोली मार देता है। दूसरा पुलिस वाला गोली की आवाज सुन के उस ओर भागता है और बीच रास्ते में सेंटीपीड को भी देख लेता है। अपने आप को संभालते हुए वो पूल की ओर भागता है और वहाँ अपने मरे हुए कलीग को देखने लगता है कि तभी डॉक्टर उसे भी गोली मार देता है और मरने से पहले वो पुलिस वाला डॉक्टर के खोपड़े में भी एक गोली मार देता है। यहाँ उस कमरे में कत्सुरो तो मर ही गया था कि जेनी भी अपना दम तोड़ देती है और उन दोनों लाशों के बीच फंसी लिंडसी रोए जा रही होती है। ह्यूमन सेंटीपीड एक बहुत ही फेमस बॉडी हॉरर फिल्म है। जब मैंने पहली बार ह्यूमन सेंटीपीड देखी थी तो गुप रात हो रही थी और मैं घर पे बिल्कुल अकेला था और कसम से इतनी फटी थी कि पेचकस हाथ में लेके सोया था। अगली सुबह मैंने ह्यूमन सेंटीपीड 2 भी देखी थी, जिसके बारे में हम उसके एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे। ह्यूमन सेंटीपीड के दो मेन कैरेक्टर्स जेनी और लिंडसी वैसे तो एक नंबर की लल्लू हैं, क्योंकि उनकी सिचुएशन में होने के पूरे जिम्मेदार वो खुद हैं। सबसे पहली और डम चीज उनकी ये है कि पंक्चर होने के बावजूद भी गाड़ियां चल सकती हैं। वो दोनों बिना रुके आराम से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकती थी। माना कि एक्सीडेंट का खतरा रहता है, लेकिन मुंह से मलद्वार जुड़ने के मुकाबले आई विल टेक एक्सीडेंट एनी डे। और जब लिंडसी अपने हाथ छुड़ा के भागी तो उसके पास पूरा मौका था टूटी खिड़की से बाहर भागने का, लेकिन फिर भी वो जेनी को लेने वापस अंदर गई। उसके बाहर जाके मदद लाने के कई ज्यादा चांसेस थे मुकाबले उसके अंदर जाके सक्सेसफुली जेनी को बाहर लाने के। राइटर डायरेक्टर टॉम सिक्स का तो ये कहना है कि जेनी और लिंडसी के कैरेक्टर्स क्लासिक हॉरर फिल्म्स के जैसे इसलिए इतने डंब हैं ताकि जब बाद में ऑडियंस आगे की चीजें जो कि आम हॉरर फिल्मों जैसी बिल्कुल नहीं है उन्हें देखे तो और ज्यादा शॉक हो जाए। खैर जो कुछ भी हो, ह्यूमन सेंटीपीड एक्चुअली में एक डरावनी और सॉर्ट ऑफ माइंड ब्लोइंग बॉडी हॉरर फिल्म है। इस फिल्म को दूसरी बार देखते हुए मैंने पहली बार के बजाय ज्यादा एंजॉय किया, क्योंकि पहली बार तो मैं कैरेक्टर्स की डंबनेस देख के परेशान होने में ज्यादा बिजी था, पर दूसरी बार तो मजा ही आ गया। ह्यूमन सेंटीपीड की कहानी और मेरी नरेशन आपको कैसी लगी और आप और कौन सी फिल्म्स की कहानियां सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।